ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत बा दिल के बात हमार के साथ में। बात होता सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, एगो बहुत खतरनाक बीमारी के बारे में। ब्रेक पर जाए से पहले हमने के बात करते रहन जा हेपेटाइटिस बी। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस बी के बारे में बताइए कि ई जोन बा एमें जॉन्डिस हो जाला। हमार सवाल ये रहा कि जब सेक्स परफॉर्म भइल, ये वायरल डिजीज है, कितना दिन बाद जॉन्डिस होके के संभावना बा, आ कैसे ही पता चली कि जनरल जॉन्डिस है या फिर हेपेटाइटिस बी के वजह से जॉन्डिस भइल बा? देखिए, ये तो ब्लड टेस्ट से पता चलता है जी। हम लोग हेपेटाइटिस, हर जितना भी जॉन्डिस होता है जी, वो अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो इनवेरिएबली ये चेक करेगा कि ये हेपेटाइटिस ए है या हेपेटाइटिस बी है, क्योंकि एक बार ये पता चल जाए कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी नहीं है तो वहीं पे उसको हम लोग बोल देते हैं कि बहुत खतरे की बात नहीं है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, आप घर पे रेस्ट करें, मीठी चीज़ खाएं, इससे ये बीमारी आपका ठीक हो जाए। लेकिन एक बार जब ये पता चल जाए कि नहीं ये हेपेटाइटिस बी है, फिर उसका हम लोग उसको एडमिट करते हैं, उसका प्रॉपर केयर करते हैं, जो अभी उपलब्ध कुछ दवाइयाँ हैं वो देते हैं एंटीवायरल। दवा पर हम आए, अगर क्यों कि पता चल गया कि हेपेटाइटिस बी बा ओकरा हो गई बा, का ओकरा प्रिकॉशन का लेवे के चाहिए, का सावधानी बरते के चाहिए, कैसे रहे के चाहिए? एक तो पहले कि उस आदमी से दूसरे को ना हो जी, अगर उनको हो गया तो अपने वाइफ से सेक्स कर रहे हैं या और किसी फीमेल पार्टनर से सेक्स कर रहे हैं जी बीमारी के दरमियान, तो इनवेरिएबली कंडोम का इस्तेमाल करें जी, जी। और हो सके तो एक्यूट फेज में सेक्स अवॉइड करें जी, जी। उसके बाद ब्लड टेस्ट से ये कन्फर्म करवा लें कि उसका जो हेपेटाइटिस बी का एंटीजन या वायरस उसके शरीर में था वो लगभग ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर वो नॉर्मल सेक्स कर सकते हैं, उससे नहीं हो सकता। लेकिन अगर उनको कंपल्सन है कि नहीं उसके दरमियान सेक्स करना है तो कम से कम कंडोम तो ज़रूर इस्तेमाल करें, या फीमेल पार्टनर है वो वैक्सीनेटेड हो हेपेटाइटिस बी से तो फिर उससे समस्या कुछ कम हो सकती है, को बीमारी होने का डर कम हो सकता है जी। जी, हेपेटाइटिस बी के अलावा वो हेपेटाइटिस सी के भी चर्चा करनी है, ई का हेपेटाइटिस सी भी एक बीमारी है हेपेटाइटिस बी की तरह ही, उसका जो हमारे सोसाइटी में इंसिडेंस है कम है जी, जी। यूजुअली वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होता है, सेक्स के थ्रू नहीं होता है जी, जी। लेकिन मैं इस संदर्भ में बताया आपको कि जब भी किसी को जॉन्डिस होता है और वो लग रहा है कि सीरियस है, बहुत दिन तक चल रहा है, तो उसमें ये तीनों चीज़ हम लोग स्क्रीन कर लेते हैं कि ये हेपेटाइटिस बी है या सी है। अगर सी है तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये सेक्स से नहीं हुआ होगा, दूसरे कारण से भी हुआ होगा, फिर उसका उस तरह से इलाज करते हैं। चूँकि हेपेटाइटिस बी के लिए तो आज के दिन में जो हम लोगों के सोसाइटी में हैं, नए बच्चे हो रहे हैं या जवान हैं, मैक्सिमम आदमी वैक्सीनेटेड हैं तो उसका डर कम है जी। लेकिन जी, जो रूरल हमारे पूर्वोत्तर के लोग हैं जहाँ पर कि ये समस्या हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ के लिए जहाँ का ये चैनल है जो भोजपुरी चैनल है उस एरिया में भी ये बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं है ना। सरकार ये अफोर्ड कर सकती है कि सबको वैक्सीन दें क्योंकि थोड़ा महंगा वैक्सीन है, तो उस संदर्भ में मैं बता रहा था कि हेपेटाइटिस बी वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस सी भी है लेकिन उसका इंसिडेंस कम है और वो सेक्स से रिलेटेड नहीं है, ये एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। कितना टाइम अगर क्योंकि हेपेटाइटिस बी हो गई बा, वैक्सीनेटेड नहीं किया हो गई बा हेपेटाइटिस बी, तो एक इलाज में कितना टाइम लगेगा? इसमें 4-6 महीने के बाद यूजुअली ये ठीक हो जाता है 100 में 70-80% का जी जी, 20% से 30% को ये परसिस्ट करता है और बाद में अन्य तरह के लीवर जैसे सिरोसिस, पेट फूल जाना, पेट में पानी आ जाना, ये सब बीमारी भी 20% जो लोग होला वो कौन कंडीशन में होला, कब होला वो? देखिए, सब कुछ इम्यून पे डिपेंड करता है, अगर उसका शरीर है इम्यूनिटी बढ़िया डेवलप हो गया, इलाज हो गया जी, जी। उसने सही उपचार लिया, रेस्ट लिया और कुछ एंटीवायरल दवा चल गई तो वो ठीक हो गया। जिसको ठीक नहीं हो रहा है उसको परसिस्टर्स भी बोलते हैं, जिसके शरीर में थ्रू आउट लाइफ वो हेपेटाइटिस बी का वायरस मल्टीप्लाई करते रहेगा सब क्लिनिकल मतलब कम संख्या में, तो वो सोसाइटी में एक से दूसरे को इन्फेक्ट करते रहेगा, वो ज़्यादा खतरनाक है। वैसे तो ये एक सुई से दूसरे को सुई लेने से भी होता है, कॉमन रूट यही है, लेकिन सेक्स भी एक चीज़ है, क्योंकि हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं इस फोरम पे कि सेक्स संबंधी समस्या, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा। डॉक्टर साहब, जिसे बतानी है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनल बा,
आ वैक्सीन लेला पर एकर चांस नहीं एक होकेगी। तो और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बा का कोनो डिजीज खाती ऐसा बा जो वैक्सीन बनल बा ले लिया जाता नहीं, अभी तो ऐसी समस्या नहीं है। उसका वजह ये है कि जो और बीमारियां हैं जी वो या तो उससे आसानी से बचा जा सकता है या अगर हो जाए किसी को तो उसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। तो इसलिए उसके लिए न सरकार अपने देश की सरकार उसके पीछे वैक्सीन बनाने के लिए ज़्यादा उत्सुक है और न विदेश में उत्सुक है। लेकिन वार्ड के लिए अभी वैक्सीन बन रहा है, हो सकता है भविष्य में कुछ दिन के बाद वो वैक्सीन आ जाए तो वार्ड से बच जाए और बचा जा सके। और सिमिलरली HIV एड्स के लिए भी वैक्सीन का तैयारी चल रहा है लेकिन अभी उस पर ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ, आदमी पे उसका ट्रायल नहीं हुआ है। देखिए भविष्य में चांस है कि एक और बीमारी के बारे में बात करनी है, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस एक ना प्रोटोजुअल बीमारी है जी। ये प्रोटोजुआ जैसे कि डायरिया डिसेंट्री होता है जिसे एमीबेसिस बोलते हैं, उसी तरह का यह बीमारी है। इसमें ये ज़्यादा फीमेल को परेशान करता है। इसमें प्रोटोजुअल इन्फेक्शन होने से पेशाब के रास्ते में या भेजैना में बहुत जलन होता है और सफ़ेद पानी आने की बीमारी आ जाती है जी जी। ये मेल में भी हो सकता है, इसमें उसमें भी जलन होगा और स्ट्रक्चर भी हो सकता है। हालांकि गोनोरिया के कंपेरिजन में कम स्ट्रक्चर बनता जी है जी। लेट साहब हम रुक रुकते नहीं, कॉलर हमने से जुड़ल बनी। हेलो। हाँ हेलो जी, अपन नाम बताएं, कहाँ से बोलता नहीं? मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ जी। स्वागत बा हमारे टीवी में, अपन सवाल पूछी। हाँ जी, सवाल ये है। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सवाल ये है कि मेरी शादी को करीब 5-7 साल हो गए जी, अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और ना कोई ऐसी स्कीम दिखी अभी तक। जांच करोगे बनी कुछ? हाँ जांच भी कराइए। बताइए डॉक्टर साहब जी। उसमें आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आपने कुछ जांच करवाया होगा, अपने वाइफ का चेक या अपना चेक, उसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल ठीक ही बता रहे हैं, रिपोर्ट तो दोनों की क्लियर आती है। आपका सीमेन जांच ठीक आ रहा है? हाँ फर्स्ट क्लास। और उसमें कौन ठीक रहता है? बिल्कुल ठीक है, वो सब कुछ ओके आ रहे हैं। हाँ तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको एक चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि किस पीरियड में सेक्स करने से बच्चा होने का चांस बढ़ जाता है। तो उसमें हम लोग मरीज को ये बताते हैं कि जिस दिन से किसी भी महिला का महीना शुरू हुआ, जैसे समझ लीजिए आज 8 तारीख है, 8 तारीख से किसी महिला का महीना शुरू हुआ तो उसमें हम लोग 14 जोड़ते हैं और ये 14 जोड़ने से 18 और 4 22, अगले 22 जनवरी को उसका अंडा तैयार होगा। उससे 2 दिन पहले मतलब 20 जनवरी और 2 दिन बाद मतलब 24 जनवरी, 20 से 24 जनवरी ही के बीच में आप अगर सेक्स करेंगे तो बच्चा होगा। कहने के मतलब जिस दिन से उसका महीना शुरू हुआ है उसके ठीक 14वां दिन से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद उस पीरियड में आप इनवेरिएबली सेक्स करें तो ज़्यादा चांस है कि स्वतः बच्चा हो जाएगा। दूसरे पीरियड में सेक्स आप सेक्सुअल इंजॉयमेंट के लिए कर सकते हैं लेकिन उससे बच्चा नहीं हो सकता है। और अगर इसके बावजूद भी नहीं होता है तो आप किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलें, अपना जाँच करवाएँ। आपका अगर सब जाँच ठीक है तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता है कि बच्चा नहीं हो, लेट सवेर जरूर बच्चा हो जाएगा जी। डॉक्टर साहब हमने की बात करते हैं ट्राइकोमोनियासिस के बारे में। हाँ, इसमें सफ़ेद पानी आती है और बहुत खुजली होती है, ये फीमेल के लिए बहुत परेशानी वाली बीमारी है। और लेकिन संजोग से इसका इलाज सिंपल है, हम लोग जांच कराते हैं वो जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसका और उसके बाद दवा देते हैं तो उससे ये 2 से 3 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाता है। बहुत को ये दोबारा भी होता है जी, तो जी। उसमें भी हम लोग देते हैं दवा तो फिर ठीक हो जाता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि पूर्णतः ठीक ना हो, लेकिन सोसाइटी में ये एक परेशानी का सब है, ये परेशानी होती है जी जी। एगो बीमारी पर शुरू में बहुत जोर देते रहनी हाँ, प्रोस्टाइटिस ई कहाँ? ये प्रोस्टाइटिस होता है कि जैसे हर एक मेल में एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जी, जो कि पेशाब की थैली और पेशाब का जो रास्ता है उसके बगल में होता है। ये मेल
एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड है, ये इसका सिक्रीशन प्रोस्टेट का सिक्रेशन जो हम लोगों का सीमेन होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन के लिए होता है जी जी। तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो कॉमनली ये देखा गया है कि जो प्रोफेशनल सेक्स वर्कर के साथ सेक्स करते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स वर्क सेक्स करते हैं, तो उसमें ये उनके पास जो बैक्टीरिया होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि इसको बीकोलाई इन्फेक्शन हो गया या इकोलाई इन्फेक्शन हो गया, तो ये जो कम्युनिटी एक्वायर्ड है ये आसानी से ठीक हो जाता है जी जी। लेकिन ये किसी कमर्शियल सेक्स वर्कर के साथ करके या अनजान आदमी के साथ सेक्स करके एक बार वो इकोलाई इन्फेक्शन हो जाए खास करके प्रोस्टेट में, तो वो बहुत परेशानी का सब्र करता है मरीज। लक्षण का कैसे पता चलेगा? लक्षण उसमें ये बताता है कि मरीज को कुछ पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर में क्या हो रहा है। वो पेट में पेन बताएगा, लिंग में पेन बताएगा, कभी पेशाब में जलन होगा, कभी पेशाब खुल के नहीं आएगा, कभी पेशाब में जोड़ लगाना पड़ रहा है, इस तरह की समस्या आती है। और इसलिए हम लोग इसको बीमारी ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं कि जब सब बीमारी छट गया तो हम लोग सोचते हैं कि ये हो सकता है। और एक बार ये बीमारी पता चल जाए, एक बार पेशेंट को हम लोग एश्योर कर दें कि ये बीमारी है आपको, तो फिर ये धीरे धीरे हम लोग एंटीबायोटिक तो देकर वो बीच में जैसे अगर बतानी है कि ऐसे फीड मिलेला स्पर्म के, तो बीच में तो स्पर्म के प्रॉब्लम होती है मोटिलिटी में या स्पर्म के क्या दिक्कत आ सकेला? नहीं देखिए, इसमें क्या होगा कि एक बार अगर उसको इन्फेक्शन हो गया जी, तो यूजुअली तो वो किसी न किसी डॉक्टर के पास जाएगा, उसको एंटीबायोटिक देगा, एंटीबायोटिक देने से वो 80% इन्फेक्शन खत्म हो गया जी, 20% इन्फेक्शन उसमें लेटेंट पीरियड में बचा रह जाता जी जी। तो उस टाइम में अगर उसका सीमेन बन रहा है या स्पर्म बन रहा है तो उसके लिए तो बहुत समस्या नहीं होता है, बच्चा होने में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर और कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आया, जैसे कि कोई सर्दी खांसी हुआ जिसमें कि आदमी का इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो वही 20% जो इन्फेक्शन बचा हुआ वो फिर आदमी को बीमारी पर। अभी वो कॉलर जुड़ल बनी। हेलो जी जी, अपन नाम बताएं, कहाँ से बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोल रहा हूँ, दार्जिलिंग से जी। स्वागत बा, सवाल पूछे। सवाल ये है कि मेरी वाइफ के ना पेट दर्द करती है जी, और काफी दिखाने के बाद में उसको 15 दिन में यानी कि 12 दिन में 10 दिन में महीना आ जाता है जी, तो इसका कोई इलाज बताएंगे भी? डॉक्टर साहब देखिए, एक तो दोनों इनकी जो दो समस्या है, एक तो पीठ दर्द की समस्या है। इनका एज कितना है? 30 साल के करीब होगी। कितना? 32 साल। 32 साल के? नहीं, तब तो कम एज है। एक तो उनको अपना जो सोने का पोस्चर है वो ठीक करना चाहिए, बहुत गद्दे वाले बिस्तर पे न सोएं और बहुत ऊंचा तकिया न इस्तेमाल करें, थोड़ा सख्त बिस्तर पे सोएं, तो ये पीठ दर्द की समस्या तो उससे ठीक हो जाती है। कभी कभी कैल्शियम के वजह से के कमी के वजह से भी पीठ दर्द होता है, तो किसी डॉक्टर से सलाह लेकर के कुछ कैल्शियम की गोली ले सकते हैं, थोड़ा धूप में बैठें उससे भी कैल्शियम ठीक बन हड्डी मजबूत हो जाता है। जहाँ तक महीना 15 दिन आ जाना, ये थोड़ा सा जल्दी है, नॉर्मली 28 दिन के बाद महीना आता है जी। लेकिन अगर उसमें महीना का मात्रा ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर सकते हैं। आप एक बार देखेंगे कि कभी वो 15 दिन होगा, कभी 17 दिन होगा, कभी 20 दिन होगा, तो उसको नॉर्मल मान सकते हैं। थोड़ा समय में ऐड करता नहीं कि अगर मान लें कि लगातार बहुत लंबा पीरियड तक चला था कि जन 28 दिन 15 दिन पर हो जाए 17 दिन तक, लंबा दिन पर चलता है तक चलता है, तब तो उससे फिर उसको खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, जो कि हमारे समाज में पहले से ही बहुत कॉमन है जी, जी। वर्म के कारण या मैल न्यूट्रिशन के कारण जो आयरन से रिच फूड है वो मिल नहीं पाता है, महंगाई के दौर में वो और थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया है कि आयरन रिच फूड जैसे हुआ नॉन वेजिटेरियन डाइट, मांस मछली अंडा और जो साग सब्जियां हैं उनसे मिलते हैं आयरन, तो वो सब का, तो अगर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रहा है ज़्यादा दिन तक, तो उसमें वो एनीमिया वीकनेस मतलब ये यहाँ के गायनोकोलॉजी से संपर्क करें के चाहिए, दिखावे के चाहिए कि इसको इग्नोर नहीं करना, इग्नोर ना करें, ये लाइफ लॉन्ग वाली चीज़ है जी, और जी। ये ठीक हो जाता है साइकिल दवा देने से, फिर नॉर्मल हो जाता है। देखिए डॉक्टर साहब, बात करते हैं जो प्रोस्टेटाइटिस के बारे में, का इलाज बेहतर अगर क्यों को हो गया? देखिए प्रोस्टेटाइटिस में हम लोग एक तो पहले उसका क्लिनिकल सिम्टम देखते हैं कि क्या है, अभी किस स्टेज में है, कितने दिन से ये चला रहा है, कितने डॉक्टर से दिखाया है, पूरा उनका हिस्ट्री देखा जाए। डॉक्टर साहब वापस आते हैं, गौर कॉलर जुड़ल बानी। हेलो हेलो जी, स्वागत बा हमारी टीम में, आप नाम बताएं, कहाँ से बोलते हैं?
सर मेरा नाम हरीश है और मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी हरीश जी, अपन सवाल पूछिए। सर मेरी उम्र 23 साल है जी, और सर मेरे लिंग में थोड़ा टेढ़ापन हो रखा है जी, तो सर कुछ इलाज बताएंगे आप? जी डॉक्टर, देखिए ये जो टेढ़ापन है ये कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में 70% मेल में ये झुका हुआ रहता है जी। अगर आपको कम टेढ़ापन है और जो इरेक्शन होता है उस पेज में भी थोड़ा सा टेढ़ापन है, एक्सेप्टेबल है और सेक्स करने में दिक्कत नहीं होती है, तब तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर टेढ़ापन इतना ज़्यादा है जिससे कि आपको सेक्स करने में दिक्कत होती है, पेन होता है जी, या आप सेक्स कर ही नहीं पाते हैं, तब तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा। एक पैरोनिज डिजीज होता है जिसमें कि लिंग के ऊपर स्किन में गांठ बन जाता है, वो हो सकता है, वो देखना पड़ेगा, इसका इलाज है। लेकिन अगर ये हल्का है, थोड़ा सा टेढ़ापन है और आपको सेक्स करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, एगो हमर बहुत जरूरी सवाल, सारा हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के समेटा था नहीं, कि अगर मान ली कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बाद तो कॉमन का प्रॉब्लम हो सकेला सेक्स के दौरान? सबसे पहले तो आदमी साइकोलॉजिकली वीक हो जाता है जी। अभी जो हम लोग सोसाइटी में देखते हैं कि किसी ने यंग एज में मैरिज से पहले कहीं सेक्स कर लिया जी जी, और उसको थोड़ा जलन हो रहा है जी जी, या थोड़ा सा पस डिस्चार्ज हो गया, चाहे उसको गोनोरिया हुआ हो जी, या ट्रैकोमोनासिस इन्फेक्शन हुआ हो, वो सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ से पीड़ित रहता है कि हमने कोई गलत काम किया जी जी, और साइकोलॉजिकली हमने के पास समय कम बा, हम बात के समेटा था नहीं कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर और का प्रॉब्लम हो सकेला? और प्रॉब्लम जैसे स्ट्रक्चर बन सकता है, सबसे खराब चीज तो वो है जी, वार्ट बाद में चल करके कैंसर का भी रूप लग सकता है अगर उसको इग्नोर करें। इसे अगर जरा भी ऐसा लागत है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, इग्नोर करें। अगर आप बचाव के एगो सबसे जरूरी उपाय बताए, का उपाय बा जरा नहीं भैल तो इसे बचे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना होके। हाँ, एक तो देखिए कि अगर आप वाइफ हस्बैंड सेक्स कर रहे हैं तो आपको ये समस्या नहीं होगी। आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स कर रहे हैं तो आपको एक चीज देखना चाहिए कि इसमें आप कंडोम का इस्तेमाल करेंगे, कंडोम के इस्तेमाल लेकर बचा होगा, इसमें 70-80% समस्या आपका दूर हो सकता है। डॉक्टर साहब रुआ हमारे स्टूडियो में नहीं इतना महत्वपूर्ण बातचीत कहनी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने के बहुत ज़रूरी मुद्दा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात करते रहने जा, एकरा खाती फिर जो हमें चाय भी खाती रूल के बात कहले रहनी, ए बी शुरू रूल जो डॉक्टर साहब कहनी है कि एक तो ये सेक्स अगर संभव हो के तो मत करी, अगर करे के बाद तो अपना पार्टनर के प्रति वफादार रही, बी फेथफुल विथ पार्टनर, आ सी कि अगर नहीं बर्दाश्त हो कहीं ऐसा रुआ सेक्स करत नहीं तो कंडोम के इस्तेमाल जरूर करी। रुआ सुखी वैवाहिक जीवन खाती, सुखी लैंगिक जीवन खाती हम कामना करता नहीं। अब दी अपना दोस्त मनोज भाऊ के विदा, नमस्कार। नमस्कार।